थाना गोवर्धन क्षेत्र में कुत्ते द्वारा काटने के विवाद को लेकर दबंग लोगों ने शिकायत करने पर पीड़ित पक्ष से ही मारपीट कर डाली। एसएसपी कार्यालय पहुंचे अधिवक्ता अनवर हुसैन के अनुसार उनके परिवार की एक बच्ची बाजार से सामान लेने के लिए जा रही थी, तभी पड़ोस के द्वारा पाली गई एक कुत्ते ने उनके परिवार की बच्ची को काट लिया। इस बात की शिकायत करने पर अधिवक्ता के परिवार के बच्चों के साथ मारपीट कर दी गई। शाम को लौटे अधिवक्ता को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने थाना गोवर्धन जाकर शिकायत लिखाई। इस लिखित में पुलिस ने उनकी सुनवाई करने के बजाय उनके ही परिवार के बच्चों के विरुद्ध NCR दर्ज थाने में बैठा लिया। इस बात की शिकायत लेकर SSP कार्यालय पहुंची अधिवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी। मेरा नाम अनवर हुसैन एडवोकेट है जी। मैं कचहरी पर प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 33 साल से। कल हमारे घर से एक बच्ची गुजर के जा रही थी, उसको कुत्ते ने काट लिया। इसके ऊपर कहा सुनी हुई, हम कचहरी पर थे। हम शाम को 6 बजे घर पहुँचे। हम जैसे ही घर पहुँचे शाम को 6 बजे तो उन लोगों ने हमारे बच्चे पे 20-25 लोगों ने मिलके हमला किया उसको, जबकि वो मेरे साथ कचहरी पे था, घटना में था ना गांव में था, और उस पर हमला किया। हम ऐसे महोदय के पास गए तो हमें मिले नहीं, रात्रि को 11 बजे मिले। किस थाना क्षेत्र का मामला? थाना गोवर्धन का मामला है। हमने उनसे कहा कि मुझे आप हमारी रिपोर्ट लिखिए, हमारे आदमी को NCR लिख के बंद कर दिया, और हमसे ये कहा कि भाई वो दूसरे धर्म का मामला था इसलिए मुझको कार्रवाई करनी पड़ी, और हमारी उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। हमलावरों के क्या क्या नाम हैं और किस कहाँ के रहने वाले हैं? गोवर्धन के रहने वाले हैं। पूरी घटना CCTV कैमरे में पार्किंग में कैद हो चुकी है, और पुलिस पक्षपात कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। चूंकि हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए एक्शन अभी तक नहीं लिया गया, ना रिपोर्ट दर्ज की है ना किसी को पकड़ा है, और हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और हमारे आदमी को पकड़ लिया है। ऐसा गोवर्धन इस साफ काम को कर रहा है वर्तमान में जो इंचार्ज है। हम चाहते हैं कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए। अब कप्तान साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, CO साहब के लिए भेज दिया है। और हमलावर जो है ठाकुर बरादरी के, मुख्यमंत्री की और MLA की धमकी देते हैं कि MLA हमारा और मुख्यमंत्री हमारा है। ये है कहानी।